नमस्कार, मेरा नाम रोहित मंडल है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA है और शिक्षक प्रशिक्षण के तौर पर मैंने DPE एवं BEd भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ तो मेरा 14 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले की मैं जहाँ तक विशेषता की बात करूँ तो मेरा ज़िला पाकुड़ है और पाकुड़ में बहुभाषी क्षेत्र है, जहाँ बांग्ला, संथाली, खोठा, पहाड़िया एवं हिंदी भी बोले जाते हैं। और मुझे ये खोठा एवं संथाली बेहतर तरीक़े से समझ है और संथाली के साथ साथ मैं हिंदी एवं इंग्लिश भी समझता हूँ और बोल भी सकता हूँ। वैसे मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंधाईपुर का शिक्षक हूँ, जो सदर प्रखंड पाकुड़ में पढ़ता है। मेरे विद्यालय में 608 बच्चे नामांकित हैं और सभी छात्र बांग्ला भाषी हैं एवं ग्रामीण परिवेश के हैं। शुरू में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, चूँकि वहाँ के सभी बच्चे बांग्ला भाषी हैं और बांग्ला बोलते हैं। विद्यालय में भी बच्चे बांग्ला बोलते थे और इसके कारण मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उनकी भाषा को समझ पाया और अभी मैं बेहतर तरीके से उनकी भाषा को समझकर उसका जो भी समस्या होती है उनकी निदान कर पाता हूँ। मैंने जब भी श्री अरविंदो सोसाइटी का शून्य नवाचार कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके द्वारा जो भी काफ़ी कार्यक्रम चलाया गया उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बच्चे के पास जब भी इस कार्यक्रम को लेकर जाते हैं तो बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं और बेहतर तरीक़ा से सीख पाते हैं। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण में से मुझे अपने विषय में एक तरह से कही जाए तो काफ़ी दक्षता प्राप्त हुई और बहुत चीज़ सीखने को मिला। उससे बच्चे को कैसे बेहतर तरीके से गतिविधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और बच्चे उस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख पाए, उससे हम भी सीख पाए। और श्री अरविंदो सोसाइटी का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को हम लोग के बीच लेकर आते हैं जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। साथ ही मैं श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो काफ़ी फायदेमंद लगता है। हम शिक्षकों के लिए कहे जाए तो वो बहुत ही सहयोगी है और इससे बच्चों को हम प्रभावी रूप से कैसे बता पाते हैं वो विभिन्न तरीके के का माध्यम सिखाया जाता है और बिना खर्च का, जिसे शून्य नवाचार बोलते हैं, वैसे बहुत सारे का कार्यक्रम चलाया जाता है। और अभी वर्तमान समय में जो COVID-19 का जो दौर चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, तो इस परिस्थिति में भी ऑनलाइन प्रशिक्षण जो अरविंदो सोसाइटी का चलाया जाता है बहुत ही फायदेमंद है और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। बच्चों से संबंधित जो भी कुछ समस्या होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूछ भी सकते हैं और जब भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है तो उससे हम लोग पूछते हैं और उससे बेहतर तरीक़ा से बच्चे को अपने माध्यम से उसको बता पाते हैं। और इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बेहतर तरीक़ा से, और हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम यदि लगातार चलाया जाता है अरविंदो सोसाइटी का तो हम लोग को सहयोग मिलता है, हम शिक्षकों को काफ़ी सहयोग मिलती है। और इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।